मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लेकर अब प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। दोनों पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भी स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस के अलावा बीएसपी के भी कई दिग्गज नेता इस क्षेत्र में रैली करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आइए जरा आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सभी दल इस विंध्य क्षेत्र पर फोकस्ड है और यहीं प्रचार प्रसार में जुटे हैं। दरअसल विंध्य क्षेत्र की सतना जिले की 7 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की भी नजर है। 2018 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार संख्या को बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों से बढ़कर ज्यादा सीटें हासिल करने के प्रयास में लगी हुई है। इसके लिए तीनों दल ने अपने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का भी 7 नवंबर को सतना में दौरा है। उनका कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। प्रशासनिक सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री का आना कैंसिल होता है तो उनकी जगह गृहमंत्री अमित शाह सतना आएंगे, लेकिन कोई ना कोई जरूर पहुंचेगा। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ 9 नवंबर को सतना में है। कमलनाथ का सतना में कोई कार्यक्रम नहीं है, वो 10:15 के आसपास सतना पहुंचेंगे और 20 मिनट बाद प्रियंका गांधी सतना आएंगी। दोनों रीवा के लिए निकल जाएंगे, लेकिन चूंकि सतना पहुंच रहे हैं इसलिए चर्चा हो रही है। वहीं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती 8 नवंबर को सतना और रीवा के दौरे पर है। वो सतना में बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने के बाद रीवा निकल जाएंगी। रीवा में भी जनसभा प्रस्तावित है, उनका कार्यक्रम है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी विंध्य बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में मजबूती से पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। यहां की सीटों को जीतकर मध्य प्रदेश में जड़े जमाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतने की रणनीति के साथ साथ आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने अपना पूरा फोकस विंध्य बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर पूरी तरह से बना रखा है। दावा यह किया जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर के चलते जनता बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस को लेकर भी जनता खुश नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी थर्ड ऑप्शन, तीसरे विकल्प के रूप में यहां मजबूती से खड़ी हो सकती है, ऐसा पार्टी का मानना है। यही वजह है कि यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कई सारी सभाएं कर चुके हैं। विंध्य क्षेत्र में अभी तक बीजेपी का दबदबा रहा है। यहां पर 2018 में 30 में से 24 सीट पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। इसके बावजूद सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने और पेशाब कांड के चलते ब्राह्मण वर्ग सरकार से नाराज है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने मजबूत किले को बचाने की चुनौती भी है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी से 3 महापौर यहां हार गए थे। सिंगरौली में आप, रीवा में कांग्रेस और कटनी में बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। हालांकि बाद में कटनी महापौर बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन अब आप तीसरे विकल्प के रूप में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन रही है। सतना जिले में बीजेपी और कांग्रेस को उनके आगे की जो टेंशन है वो दिखाई दे रही है। कई नेता निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं, इसमें कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इसी स्थिति में दोनों पार्टियों के नेताओं के माथे पर बल है, शिकन है। सतना हो, चित्रकूट हो, अमरपाटन हो, नागौद हो, रेगांव विधानसभा सीट हो, यहां पर कांग्रेस बीजेपी और बसपा की लड़ाई है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय दिख सकता है। जबकि मैयर में बीजेपी कांग्रेस को नारायण त्रिपाठी की पार्टी चुनौती दे रही है। सतना जिले में होने वाली स्टार प्रचारकों के दौरे में सिर्फ चुनाव के लिए खड़े हुए प्रत्याशियों और चुनाव का प्रचार करना ही नहीं है, इसके साथ ही कोशिश यह भी होगी कि इस बीच सभी विधानसभा सीटों पर जो असंतुष्ट हैं उन्हें साधने का प्रयास किया जाए, ताकि प्रत्याशियों के वोट कटे नहीं और जीत पक्की हो सके। ये बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। विंध्य क्षेत्र की बेल्ट हमेशा से चुनावों में बहुत ज्यादा राजनीतिक दलों का केंद्र रही है, एक्टिव वहां पर दिखाई पड़े हैं हमेशा से केंद्र जो नेतृत्व है। आपको बता दें कि 2018 में राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई थी तब सपा और बीएसपी ने समर्थन दिया था। तब एमपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2 और सपा 1 सीट के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विंध्य का क्षेत्र हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा भी रहा है और बहुत ज्यादा ध्यान देकर भी काम किया जाने वाला रहा है। शायद इसी कड़ी में अपने स्टार प्रचारकों को सभी पार्टियां इसी इलाके में फोकस करके उतार रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।